Very good morning, students. I am your maths teacher, and today I will teach you maths of class 8. And today we continue chapter 4, exponents and powers. And today we do exercise 4.2. Now see in the book. This is your maths book, maths of class 8. Now open. Exercise 4.2. This is the exercise 4.2, page number 33. Now see question number 1. Find the value of. Here some questions are given and we find its value. यहाँ पे देखिए numbers दिए हुए हैं, question दिए हुए हैं, ये हमें इनकी value find करनी है. मीन्स हमें इनको सॉल्व करके इनका जो आंसर है वो हमें बताना है. देखिए यहाँ पे जितने भी जो भी क्वेश्चंस हैं इनमें सबकी पावर नेगेटिव है. देखिए -4, -4, -6, -2, -1, ये पावर किस में है हमारे बच्चों? नेगेटिव में है. बच्चों जब किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव होती है तो हम उसका आंसर नहीं निकाल सकते. आंसर निकालने के लिए हमें उसकी पावर को पॉजिटिव बनाना होगा. अब हम पावर को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे हमारी जो पावर है नेगेटिव वो पॉजिटिव बन जाती है. तो वो फॉर्मूला क्या होता है देखिए मैं आपको बताती हूँ. इन दिस नोटबुक देखिए हमारा जैसे ये ए है, ए हमारा कोई भी नंबर हो सकता है. इसकी पावर माइनस एम है. अब इस माइनस को हटाने के लिए ये हमारा जो बेस होता है इसे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. यानी जैसे ए के नीचे कुछ नहीं है तो वो वन होता है, तो ए का रेसिप्रोकल 1/a आ जाएगा और इसकी पावर जो है वो माइनस हट जाएगा. ए की पावर एम हम यहाँ नीचे लिखेंगे. तो ये यानी कि हम इसको क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल. ए है तो 1/a और पावर माइनस हटकर पॉजिटिव बन जाएगी एम. तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसे आपको याद रखना है. यानी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए जो बेस है उसे हमें रेसिप्रोकल करना है. सीधे से देखिए ए पार्ट, ये हमारा क्वेश्चन है -2 to the power -4. तो ये माइनस हटाना है तभी पावर हमारी पॉजिटिव बनेगी. तो -2 को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/-2. अब 2 की जो पावर माइनस थी ये हट जाएगी, 2 की अब इसकी पावर हो जाएगी 4. तो -2 के ऊपर पावर लगा देंगे हम 4. अब देखिए पॉजिटिव बन गई. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो देखिए बच्चों ऊपर तो 1 है तो 1 ही रहेगा. अब नीचे जो -2 है उसकी पावर है 4. इट मीन्स हमें -2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो -2, -2, -2, -2 ये 4 टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे. यानी जितनी पावर है उतने ही टाइम्स इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं. अब हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा ऊपर. तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अब 8 2 जा 16. तो यहाँ आ गया 16. अब बच्चों हम कैसे पता चलेगा कि ये हम यहाँ पे आंसर हमारा नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव? तो एक बहुत ही आसान तरीका है, ये रूल है, ये फॉर्मूला है. नेगेटिव नंबर की जो पावर है जब वो इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव होता है. अब पावर अगर ऑड है तो आंसर हमारा नेगेटिव होगा. जब नेगेटिव नंबर की बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है. अब जैसे -2 है, इसकी पावर क्या है? 4. और 4 नंबर क्या होता है बच्चों? इवन. इसलिए इसका जो भी आंसर होगा ये हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है. इसी तरह से देखिए सेकेंड, 3 to the power -4. अभी हमें +4 बनाना है यानी माइनस को हटाना है. तो 3 को हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल. यानी 1/3 और फिर ये पावर हट जाएगी 4. ये पावर हमें 3 पर ही लगानी है तो ये आ जाएगी. अब जिस तरह से हमने इसको किया था इसी तरह से हम इसे कर लेंगे. ऊपर 1 का 1 ही रहेगा, नीचे 3 की पावर कितनी है बच्चों? 4.
इट मीन्स 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने 4 टाइम्स देखो 3 को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का 1 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, अब 27 3 जा 81। देखो ये हमारा आंसर है। और यहाँ पे तो कोई माइनस का साइन ही नहीं है, तो हमें कोई माइनस सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस में ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर। इसी तरह से सी पार्ट, ये फर्स्ट है, ये 1/3 माइनस 6। अब हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। तो बच्चों नीचे 1 हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमने यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम सिर्फ 3 लिखेंगे। और ये जो पावर है ये 6 हमारी यहाँ आ जाएगी और ये माइनस हट जाएगा, तो पॉजिटिव बन गई। अब 3 को 6 टाइम्स हम यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 721। इसी तरह से डी पार्ट, ये हमारा बेस है, इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 2 की पावर 3। अगर ऊपर 1 है तो नीचे हम 1 नहीं लिखेंगे, तो 2 की पावर 3 ऊपर चली जाएगी और बाहर ये जो पावर है ब्रैकेट के बाहर, ये बाहर ही हम लिखेंगे, बस ये माइनस हट जाएगा क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ही इसको रेसिप्रोकल किया था। अब बच्चों मैंने फॉर्मूला बताया था कि पावर के ऊपर फिर से पावर होते, यानी कि जब डबल पावर होती है तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का तो 2 ही रहेगा। अब ये जो हमारी डबल पावर है इन दोनों का हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 6। अब 2 को हम 6 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख लिया, अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64। सो दिस इज द आंसर। इसी तरह से ई पार्ट देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखिए डबल नंबर है, कोई बात नहीं, पहले हम 2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब 2 की पावर -3 थी तो हम यहाँ पर नीचे 3 लगा देंगे, क्योंकि 2 ये 2 की पावर -3 है, 2 की पावर +3 हो गई, वो नीचे आ गई। अब मल्टीप्लाई इसको भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो -7 है तो ये हो जाएगा 1/-7 और ये माइनस का प्लस बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 को हम 3 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई आ गया और ये पावर 1 है तो ये हमारा 1 ही बार लिखेंगे। ओके, अब देखिए अब हम ऊपर 1 × 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 हो गया। अब नीचे 2, 2, 2 और 7 इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 56। अब बच्चों नीचे माइनस सिर्फ 1 ही बार है, यानी कि ऑड नंबर है 1, तो यहाँ पे ये आंसर माइनस में ही रहेगा। सी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बुक में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस योर आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको हमें सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है, यानी कि पावर के फॉर्म में। सी क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस योर आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनका जो आंसर है वो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर फॉर्म में ही लिखना है। देखिए ए पार्ट, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसमें जो हमने फॉर्मूले आपको बताए थे वो फॉर्मूले हम इसमें यूज़ करेंगे। और फर्स्ट में देखिए बेस दोनों का सेम है और डिवाइड हमें करना है, तो जब बेस सेम होता है और डिवाइड करना है तो हम पावर को क्या करते हैं, माइनस। तो देखिए इसको नोटबुक में, क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बेस हमारा सेम है तो हम बेस को हम सेम इसी तरह से लिख लेंगे -5। अब ये डिवाइड हो रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, पावर 6 में से 9 को हम माइनस करेंगे, तो 6 - 9। अब -5 तो सेम रहेगा, अब 6 में तो 9 माइनस नहीं हो सकता, तो 9 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा, यानी इसकी पावर हमारी क्या हो गई, निगेटिव। और ये पावर को पॉजिटिव बनाकर लिखना है, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल, यानी 1/-5 और पावर जो 3 है वो यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। ये बच्चों ये रॉन्ग हो गया, ये आपको नहीं करना है, यहाँ तक हमारा आंसर है।
इसी तरह से देखिए बी पार्ट, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा हुआ है इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए ये डिवाइड वाला क्वेश्चन है, यानी कि डिवाइड करना है 3 to the power -8 और 3 to the power 12। देखिए बेस दोनों का सेम है, जब बेस सेम है और डिवाइड करना है तो पावर हम क्या करते हैं माइनस, यानी फर्स्ट पावर में से सेकंड पावर को माइनस करेंगे। तो हम इसको यहाँ इस तरह से लिखेंगे, 3 हमारा सेम रहेगा, -8 फिर माइनस करेंगे 12 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये हमारा सेम। अब देखिए -8 है और -12 दोनों ही निगेटिव वाले नंबर हैं, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी -20 आ जाएगा। तो 3 to the power -20 इंटू 3 to the power -4 इक्वल, अब 3 की पावर, अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर दोनों सेम है, सॉरी बेस दोनों का सेम है और हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा क्या फॉर्मूला था कि पावर को हम प्लस करेंगे, तो पहले हम -20 लिखेंगे फिर प्लस, अब -4 लिखेंगे हम। तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो बच्चों ये -4 आ जाएगा, -20 -4 दोनों मिलकर हो गए -24। तो 3 की पावर क्या हो गई -24। अब हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो हम इसको 3 को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/3 to the power 24। तो ये हमारा आंसर है। नाउ सी सी पार्ट, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ बेस है हमारा -4 और यहाँ बेस है हमारा 7/4। देखो बेस हमारे दोनों के अलग हैं लेकिन पावर दोनों की सेम है। अब पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों बेस का मल्टीप्लाई करेंगे और पावर दोनों की एक ही आ जाएगी। तो -4 × 7/4 लिखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर, और ये दोनों की पावर ब्रैकेट के बाहर हम यहाँ लगा देंगे। देखिए 4 से 4 कट गया, यहाँ बचा -1 और ये 7, तो -7 और पावर 3। तो दिस इज द आंसर। नाउ सी डी पार्ट, ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे 1/2 to the power 3 और फिर whole to the power 2। अब यहाँ पे 2 के पावर 2, ये जो पावर 2 है ये दोनों के लिए है, 1 के लिए भी है और इसके लिए भी है। तो 1 की पावर 2 और यहाँ पे 3 × 2 यहाँ पे करेंगे तो 1 की पावर 2 का 1 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1/2 to the power 6। दिस इज द आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, सी इन दी बुक। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, एक्सप्रेस योर आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे हमें सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। देखिए किस तरह से करेंगे हम इसे, ये फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, 4 के फैक्टर करेंगे हम 2 × 2, 9 के फैक्टर करेंगे हम 3 × 3। यहाँ पे 2 2 times है तो 2 की पावर 2 हो गई, 3 2 times है तो 3 की पावर 2, और ये 3 हमारी होल पावर है। अब देखिए 2 की पावर 2 और बाहर 3 है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 6। इसी तरह से 3 की पावर 2 है और बाहर 6 है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर 6। अब दोनों की पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, 2/3 यहाँ बेस लिखेंगे और जो दोनों की पावर है वो ब्रैकेट के बाहर कॉमन आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन बी पार्ट, पावर दोनों की सेम है बेस डिफरेंट है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 × 3/-7 और ये जो पावर है ये ब्रैकेट के बाहर कॉमन आ जाएगी, 7 से 7 कट गया तो 3, और पावर देखिए यहाँ पे इवन है तो ये हमारा प्लस में रहेगा और 3 की पावर 4, तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए डी पार्ट, ये हमारा क्वेश्चन है। हम 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और ये जो 2 है ये ब्रैकेट के बाहर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम यहाँ बाहर 6 लिख देंगे। अब देखिए ये दोनों हमारी कॉमन है तो ब्रैकेट के बाहर 2 आ जाएगी और ये 6,
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाता है 12। दिस इज द हमारा आंसर। नौवीं क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द ए पार्ट। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है, प्लस निगेटिव पावर है ये, इसे हमें पॉजिटिव बनाना है। तो 8 का रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/8, तो पावर इसकी 1। तो पावर बेटा जब 1 होती है तो हम 1 पावर लिखते नहीं हैं। तो ये आ गया हमारा, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, तो इसे हम 3 टाइम्स लिख लेंगे। अब इनको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा इंटू इनका मल्टीप्लाई 27। 9/8 इंटू 27 मल्टीप्लाई करेंगे ये 8। दिस इज द आंसर। इसी तरह से देखिए बी पार्ट, ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए 3 की पावर नेगेटिव है, इसे हम पॉजिटिव बनाएंगे तो 3 को रेसिप्रोकल कर देंगे, सॉरी दोनों की पावर सेम है तो हम 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, और दोनों की पावर को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे हम, और ये हमारा सेम इसी तरह से रहेगा। अब देखिए 3 5 15, ये माइनस किए अभी हम डिवाइड, और ये हमारा सेम है। अब इसे पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/15 पावर 1 हो जाएगी, तो 1 हम नहीं लिखेंगे। डिवाइड, इसको पॉजिटिव बनाना है तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 की पावर 3। 1/2 इंटू डिवाइड का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 की पावर 3 ऊपर आ जाएगी, 1 नीचे। 1/15 इंटू 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, इन सभी का मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ सी पार्ट, दिस इज द क्वेश्चन। इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, प्लस 3 को हम ऊपर ले आएंगे, ये प्लस हो गया, प्लस 4 का रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, 4 ऊपर आ गया, पावर प्लस हो गई। 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे, प्लस 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे, प्लस 4 को 2 टाइम्स लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई ये आ गया, प्लस मल्टीप्लाई 9 प्लस 16, सबको प्लस कर देंगे 29। डी पार्ट, ये क्वेश्चन है, इसको पॉजिटिव बनाना तो 8 हमारे नाम नीचे आ जाएगा, और प्लस 1 हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह से 5 का सेम यही रहेगा। अब ये नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बनाना तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर 4। 5 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे, और 8 का 8, ठीक है, 2 से 8 को करेंगे 4 टाइम्स, फिर इस 2 से जो करेंगे 2 टाइम्स, इस 2 से ये 2 कट गया, इनका जो बचा हुआ है सबका मल्टीप्लाई करेंगे 250। ई पार्ट, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए इसे हम पॉजिटिव बनाएंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे हम, 4 ऊपर और 3 नीचे, ये पॉजिटिव बन गया। अब ये हम यहाँ बेस लिखेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 4। अब इसे हम 4 टाइम्स लिख लेंगे तो इसको ऊपर का मल्टीप्लाई ये आ गया और नीचे का मल्टीप्लाई ये। अब देखिए इसकी पावर ये इवन है, इसलिए आंसर हमारा पॉजिटिव रहेगा। एफ पार्ट, देखिए इन सब की पावर 0 है, पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3, प्लस 4 का रेसिप्रोकल 1/4, प्लस 5 का रेसिप्रोकल 1/5, पावर 0। जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन है। देखो डिवाइड है ये, बेस दोनों का सेम है तो पावर को हम माइनस कर देंगे, 8 रहेगा, एक्स माइनस फिर माइनस 3 इक्वल, ये सेम रहेगा, माइनस माइनस मिलकर यहाँ प्लस बन गया 8। देखिए दोनों का बेस सेम है और यहाँ इक्वल है, यानी कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की इक्वल आनी चाहिए। जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी हमारी इक्वल होगी, तो हम बेस को कट कर देंगे, ये सिर्फ पावर हम यहाँ पर लिखेंगे, एक्स प्लस 3 इक्वल 5। ये हमारी इक्वेशन बन गई, एक्स का आंसर निकालना है 5, 3 में से माइनस कर देंगे 5 में से हम 3, आंसर आ गया 2। दिस इज द आंसर। योर एक्सरसाइज 4.2 इज कम्प्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।